आपको पता है कि सवा महीने अगर आप हमको टच ना ही किए ना तो आप बहुत बड़े मंत्री बनने वाले हैं। क्या क्या क्या? हाँ, हम सच कह रहे हैं, कूड़ा मंत्री बनने वाले हैं। कूड़ा मंत्री? किस वाहियात आदमी ने विचार तुम्हारे दिमाग में डाला, उसका नाम बताओ। अम्मा जी बोली हैं। अगर आपको मेरे प्रवचन का लाभ उठाना है तो मेरे घर पे आ जाइए। जरा देखें तो सही इस झोले वाले बाबा का क्या झोल है। वो जो लड्डू के भैया है ना। हाँ, बोल। वो जो बहुत चिड़चिड़ करते रहते हैं, कोई उपाय बताइए महाराज जी। 1 किलो हरी तीखी मिर्च का पेस्ट बनाइए और उन्हें रात में सेवन करवाइए, चीखें निकलनी चाहिए। जनाब, हम भी खड़े हैं राहों में। लड्डू के भैया आ गए। हमारी समस्या का भी समाधान कर दीजिए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं? बस तिवारी जी। अब बैठ। वाह बैठ। वाह। कृपा बरसे। कहां से आए हैं आप? सामने से आ रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या कुछ नहीं है, बस कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर चाहते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, अंतर्यामी हैं, जरा हम भी तो देखें कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। प्रश्न पूछो। सवाल यह है कि अगर अम्मा और अंगूरी नदी में डूब रहे हो तो हमें पहले किसे बचाना चाहिए, अम्मा को या अंगूरी को? अम्मा को। अंगूरी को तो पूरा गांव बचा ही लेगा। बचा लेंगे। कृपा बरसेगी। अगला सवाल कि पुरुष हमेशा पराई स्त्री की तरफ ही क्यों आकर्षित होता है? क्योंकि पुरुष का जो नेचर है, उसकी मेंटेलिटी है, वो ऐसी है कि वो जब एक किताब पढ़ लेता है तो उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो जो किताब नहीं पढ़ी है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता। झोले वाले बाबा, वाह वाह। ये स्वर्ग और नरक वाकई है क्या? जहर खा लो, खुद मालूम चल जाएगा। बहुत बढ़िया जी, सही कहा। तिवारी जी, तो क्या है भाई, इस बच्चे ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न से याद आया कि आप गधे से कोई भी प्रश्न करें, गधा उसका उत्तर नहीं में देता है। क्या बात कर रहे हैं महाराज, मतलब जो गधे होते हैं वो हमेशा नहीं में जवाब देते हैं। आप देखना चाहेंगे? हाँ, दिखा दूं महाराज। हम दिखाते हैं आपको। तिवारी जी, क्या आप गधे हैं? असल में बाबा जी, आप वाकई अंतर्यामी है, ध्यानी है, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। Party like a rock star. Hey कन्या, भाई कन्या सुंदरी, गोरी सुंदरी। जी बाबा जी। अरे भाई, कुछ भोजन बनाया है क्या आज तुमने? बाबा जी, मुझसे भूल हो गई, मैंने तो आपके लिए चिकन तंदूरी बनाया था, लेकिन फिर मुझे अंगूरी जी ने बताया कि आपने अन्न त्याग दिया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि वही आपके लिए कंद मूल फल लेकर आएंगे। झोले वाले बाबा की जय। झोले वाले बाबा की जय। कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। इसके साथ रही तो जिंदगी भर तरसेगी। जी क्या कहा बाबा? कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। बाबा, हम आपके लिए फल ले आए हैं। भाभी जी, आपने भी अन्न का त्याग कर दिया है क्या? नहीं, मैंने तो अपने लिए चिकन तंदूरी रखा है।
कन्या तुम मांसाहारी हो? ना, बहुत गलत है। मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है। ये लो नारंगी और खेलो, और चिकन तंदूरी फेंक दो। नहीं, फ्रिज में रख दो। क्यों? क्योंकि चिकन की आत्मा को ठंडक पहुंचे। कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। चलिए, अच्छा बाबा जी चलते हैं, चलो अब कुछ पराठे वराठे खिलाओ। तिवारी जी, जी इधर आए। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो खाने के लिए जीते हैं और एक जो जीने के लिए खाते हैं। तो जीने के लिए खाइए, खाने के लिए नहीं। कन्या इधर आओ, इधर आओ, आओ हमारे पास आओ। अरे और पास आओ, काटेंगे नहीं। नहीं इतना भी पास नहीं, थोड़ा सा। देखो कन्या, आज तिवारी जी को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आज उनको दंड मिलेगा। हाँ तो ये लो, ये तुम्हारे लिए प्रसाद, और तुम्हें तो दे दिया। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। अच्छा लो, कुछ ना ही खाना है, कहाँ कुछ ना ही करना है, भूखा रहना है। अरे बाबा गिरी बहुत भारी पड़ रही है यार, एक नॉनवेज आदमी को आप कंदमूल खिला रहे हो यार, फ्रूट्स खिला रहे हो यार, ये जाती नहीं तो और क्या है यार। तंदूरी रखा है, मैं खा के आता हूँ। विभू, ओह सॉरी 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 बाबा जी, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं कन्या, हम योगा कर रहे थे। योगा? कैट पीपल योगा, कैट पीपल। वैसे बाबा जी, अगर आपको भूख लगी हो तो आपके लिए कंद मूल फूल कुछ ले आऊं? हमें कंद मूल फल फ्रूट कुछ नहीं चाहिए, हमारा पेट भरा हुआ है। अब हम बाहर जाएंगे, खुली हवा में ध्यान लगाएंगे और सिद्धि खींचेंगे। लेकिन बाबा जी, शराब? नहीं नहीं, ये अच्छा फंडा है यार, ये शराब के नाम से बराबर सीधी हो जाती है। ये इस्तेमाल करूंगा आगे भी मैं। तंदूरी चिकन खा के आता हूं। अंधेरा और ऊपर से एक काला चश्मा, यार फल फ्रूट कंदमूल खा खा के मेरा फालूदा बन गया। आई नीड समथिंग, गॉट चिकन। क्या अद्भुत दृश्य है, झोले वाले बाबा मुर्गा तोड़ रहे हैं। झोले वाले बाबा की झोले वाले बाबा तो शाकाहारी थे, ये तो मांसाहारी है। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको क्या बोलू, विभू, विभूतानंद या झोले वाले बाबा? भाभी जी हमें लगता है कि इन्हें झोल वाले बाबा के नाम से बुलाओ। काहे की ये भरभूती जी आप ऐसे, हाँ काहे हमने इमोशंस के साथ खेले? अरे वो मोशन नहीं इमोशन होता पगली। सही पकड़े हैं, काहे ऐसे खिलवाड़ किए, बोलिए। बोलो विभू, अंगूरी जी कुछ पूछ रही है, बोलो बोलो। देखो विभू, जनता जब किसी को बाबा मानती है तो अटूट विश्वास के साथ मांगती है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि वो बाबा ढोंगी है तो उतने ही विश्वास के साथ सारे बाजार में सबके सामने पीटती है। और आपकी जानकारी के लिए उस जनता में मैं भी शामिल हूं, इसलिए बताओ, सच सच बताओ सब क्या हुआ। एक्चुअली वो मुझे बचपन से पौधों से बात करने की आदत है, एज यू नो,
मैं एक रोज भाभी जी के पौधे से बात कर रहा था, भाभी जी ने मुझे बात करते हुए देख लिया, उनको लगा कि मैं छोले वाले बाबा हूं। मैं इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा था। भाभी जी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। मैं भी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, इनकी तरफ से भी। अरे गोरी मैम, बस आप ही की वजह से छोड़ रहे इनको, वरना भैया विभूति हवालात में प्रवचन दे रहे होते। भाभी जी आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन किस ढोंगी के पल्ले पड़ गई। गुड नाइट अनिता जी। गुड नाइट। नाले की सलांद अभी तक आ रही है मुंह के बदन से, और बेचारा टीका गंदे नाले में अभी तक नहा रहा है भैसन के साथ। तिवारी जी, शीला जी तो खरीद लिए, अब लू या ना लू? लो हमें दे दो। चलो 25 रुपया। आई लाइक इट। विभू आओ, तुम बेडरूम में आओ, मैं तुम्हें प्रवचन सुनाती हूँ, कृपा बरसेगी। आ, कम कम। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अनु जेल नहीं जा सकती। छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो। क्या हुआ? सुबह सुबह मुझे जेल क्यों भिजवा रहे हो? ओ गॉड, थैंक गॉड, ये सपना था। अरे क्या सपना देखा तुमने? Give me some time to recover. मैंने सपने में देखा कि तुमने ना किसी का खून कर दिया है। What? शॉटगन से एक आदमी को जगह पे मार दिया। और फिर पुलिस तुम्हें पकड़ के लेके जा रही है अनु, जेल में बंद करने के लिए, और मैं पुलिस की गाड़ी के पीछे भाग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कह रहा छोड़ दो मेरी अनु को, छोड़ दो मेरी अनु को। फिर पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और तुम्हें गाड़ी में ठूस के ले गए, और मैं खड़ा रह गया। एक बात समझ में नहीं आती, ये तुम्हारे सारे बेहुदा ख्वाब में मैं क्यों होती हूं? पिछली बार तुमने मुझे गुंडों से किडनैप करा लिया था। एक्चुअली डार्लिंग, वो तो मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरी सांसों में बसती हो। तो जब आदमी दिन भर किसी के साथ रहता है तो फिर उसी के ख्वाब देखता है ना, तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ फिर। अरे तो कोई अच्छे ख्वाब भी तो देख सकते हो, ये भी तो देख सकते हो कि तुम मुझे पहाड़ी वादियों में लेकर गए हो, मेरे साथ रोमांस कर रहे हो। जानती हो ना मुझे पहाड़ों से डर लगता है। तो हम झील के किनारे भी तो बैठ सकते हैं। पानी से भी तो डरता हूँ ना मैं। अरे तो हम फूल के गार्डन में भी तो जा सकते हैं। तुम जानती हो मुझे फूलों से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी, यू नो। तो भाड़ में जाए तुम्हारे ये बेहुदा ख्वाब। अगली बार ना ऐसे वाहियात ख्वाब में अपनी मम्मी को शौक से देख लेना। और मुझे ऐसे बेहुदा ख्वाब में देखा है ना तो रात में तुम्हारी नींद हराम कर दूंगी। बताइए, ये जिंदगी है हमारी, अब हमारे ख्वाबों पर भी पाबंदियां लग गई हैं, बट हम भी बहुत पहुंची हुई चीज है। अब हम ख्वाब देखेंगे लेकिन बताएंगे नहीं इनको। हम आपको स्केट्स पे चलना सिखाएंगे। हम नहीं सीखेंगे, ये बहुत बच्चों का खेल है। प्लीज भाभी माँ, आपको हमारी कसम। लड्डू ये क्या कर रहे हो? प्लीज भाभी माँ, प्लीज लीजिए, हम आपको पहना देते हैं, लीजिए। हाँ दया, हम गिर जाएंगे ना। नहीं भाभी माँ, पर हमको कितना काम पड़ा है। हाँ लड्डू संभाल के, लड्डू हम गिर जाएंगे, क्या कर रहे हैं? भाई माँ हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,
ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल भाभी जी भी कितनी मासूम है बच्चों की तरह स्केटिंग कर रही है। घनघोर काली रात थी बिजली कड़क रही थी और फिर अचानक पलटकर उसने उस पर वार किया और उसका खून कर डाला था। ओ गॉड भाभी जी तिवारी जी आपने मुझे बिल्कुल डरा दिया तिवारी जी। क्यों भाभी जी हम क्या इतने डरावने लगते हैं? हाँ नहीं नहीं मेरा मतलब है कि मैं एक सस्पेंस नॉवल पढ़ रही थी और उसमें एक लड़की ने अपने पड़ोसी का खून कर दिया। पड़ोसी का खून? हाँ। क्यों क्यों कर दिया? क्योंकि वो पड़ोसी उस लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। कहीं ये कहानी हकीकत में न बदल जाए। क्या कहा आपने जी? हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि आपको ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? ऐसी खून खराबे वाली पुस्तकें पढ़ने से इंसान का मन बदल सकता है और फिर इस पुस्तकों के प्रभाव में आकर वो ठीक वैसी सी हरकतें कर सकता है। आपका क्या मतलब है कि मैं सच में जाकर किसी का खून कर दूंगी किताब को पढ़ने के बाद? हो सकता है भाभी जी। तिवारी जी देखिए मेरे आसपास तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मुझे ऐसी वैसी नजरों से देखे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी, हम तो आपको बस प्यार भरी नजर से देखते हैं। सर जी कुछ आपके ऐसे होंठ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, फिर से आपने कुछ कहा ना? जी हमारा कहने का मतलब यह है कि आस पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और भाभी जी अगर आप पर कोई बुरी नजर रखेगा या आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा ना तो अम्मा की कसम हम उसका खून कर देंगे। अरे वाह तिवारी जी, तिवारी जी पड़ोसी हो तो आपके जैसा हो वरना हो ही ना। भाभी जी आपका कॉम्प्लीमेंट सुनकर हमें 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 बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे अमित जी कह रहे हो कि मुझे हो तो नथुराम जैसी वरना ना हो आए। लेकिन भाभी जी हमारी आपसे एक गुजारिश है, ये खून खराबे वाली किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप प्यार भरी कहानियां पढ़िए भाभी जी, इससे इस मन में प्रेम का विकास होता है। तिवारी जी एक मिनट ना, मेरे स्टूडेंट का फोन आया है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ रज्जो सब ठीक है ना? अरे फिर से ऐसा हो गया, रुक मैं बताती हूँ क्या करना है। भाभी जी की कैसी है ये माया, हम पर तो चिलचिलाती धूप और भभूति जी पे छाया। हाँ अम्मा जी हम लौकी का अचार बनाए हैं, आप भी चखे बता दीजिए कैसे बना है। लड्डू की भैया तो बहुत तारीफ किए हैं। भाभी माँ। अम्मा जी हम बाद में कॉल करते हैं। सक्सेना जी आप? जी भाभी माँ मैं। काहे इस तरह से आके हमको डरा दिए? हाँ अरे भाभी माँ मैं आपका बेटा हूँ, बेटे से कोई डरता है क्या? बेटा ऐसे पगलेट हो तो डरने की जरूरत है ना। I like it. कैसे आना हुआ? भाभी माँ आज आपका बेटा आपसे कुछ मांगने आया है। क्या चाहिए बेटा? आज सुबह से ना मुझे किसी ने मारा नहीं, सुबह से घूम रहा हूँ, कितने लोगों से गुजारिश की मैंने, किसी ने मारा नहीं मुझे। भरभूती जी तो आपको पीटते रहते हैं, वो नहीं मिलेगा? अरे बेवफा निकले विभूति भैया, हाथ जोड़ के मैंने आज बोला एक चमाट मार दो भैया, एक चमाट नहीं मारा उन्होंने, नहीं मारा। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? आप माँ हैं, कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ के दरवाजे से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर बच्चे को भूख लगती है ना तो माँ अपने बच्चे को अपने हिस्से का खाना खिलाती है। ठीक बा हम आपको खाना खिलाते हैं, गर्मा गर्म रोटियां बना रहे हैं। मेरी भूख नहीं मिटेगी उससे, इस खाने से नहीं मिटेगी, मार खाने से मिटेगी,
आप मुझे मारिए भाभी माँ, मारिए मुझे, मारिए। हाय दया, I'm sorry, हम आपको ना ही मार सकते हैं। अरे आप माँ हैं, माँ हैं आप, दया कीजिए अपने बेटे पे। हाय दया, अगर आपको ना ही मारेंगे तो दया जैसा होगा ना, अगर हम आपको मारेंगे तो ये अत्याचार होगा ना। भाभी माँ, मेरे केस में उल्टा है, अगर आप मुझे नहीं मारेंगी तो अत्याचार होगा, अगर आप मारेंगी तो उपकार होगा। देखिए सक्सेना जी, हम आज तक कभी किसी पर हाथ ना ही उठाए हैं। हाँ, आप लड्डू के भैया के पास जाइए, वो आपको कूट देंगे। अरे तिवारी भैया कायर हैं, नहीं मारेंगे वो मुझे। आ, सक्सेना जी, ये क्या बात कर रहे हैं? सक्सेना, तिवारी भैया की और बुराई कर, भाभी जी को गुस्सा आ रहा है। भाभी माँ, तिवारी भैया ना एक नंबर के लीचड़ और घटिया आदमी है वो। सक्सेना जी, एक नंबर के कमीने हैं वो। सक्सेना जी, अगर लड्डू के भैया के बारे में और एक शब्द भी बोला ना तो पता ना ही हम क्या करेंगे। 100 कमीने जब मरे थे ना तब एक तिवारी भैया जैसा कमीना पैदा हुआ था।